जहां एक तरफ युवाओं से सजी इंडिया टीम के मुकाबले का इंग्लैंड के साथ जो हो रहा है उसका काफी मजा आप सभी उठा रहे हैं, तो उसी बीच जो इंडिया के लेजेंड्स खिलाड़ी हैं यानी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, यूसुफ पठान, युवराज सिंह, वो भी रोड सेफ्टी सीरीज में अपना धमाल दिखा रहे हैं। बता दें दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 13वें मैच में इंडिया लेजेंड्स का सामना साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ होने वाला है। भारतीय टीम को पिछले मैच में इंग्लैंड लेजेंड्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं साउथ अफ्रीका लेजेंड्स ने इंग्लैंड लेजेंड्स को हराकर 2021 की पहली जीत हासिल की थी। आप सभी को बता दें दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में इंडिया लेजेंड्स दूसरे और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स तीसरे स्थान पर है। लेकिन बात की जाए इंडिया लेजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाड़ियों की, तो इंडिया लेजेंड्स में दोस्तों सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ, एस बद्रीनाथ, नमन ओझा, जहीर खान, इरफान पठान, विनय कुमार, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल, नोयल डेविड और मनप्रीत गोनी दिखाई देंगे। वहीं साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की तरफ से जोंटी रोड्स जो कप्तानी करेंगे, मॉर्ने वैन विक और गार्नेट क्रूगर और रोजर टेलीमार्क्स, जस्टिन कैम्प, अलिवारो पीटरसन, नंती हेवर्ड, एड्रू प्रिटिक, लूट्स बॉसमैन, जेंडर ड्यूब्रिन, इसी के साथ थम्बी शबाला और मोंडे जोंडे की मखाया एंटनी, लॉयड नॉरिस जोन्स, ये खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो इंडिया की टीम से आपको देखने को वही खिलाड़ी मिलेंगे जो पिछले मुकाबले में देखने को मिले थे। इसी के साथ दोस्तों आपको और बता दें जानकारी, तो ये 13 मार्च यानी कि आज शाम 7 बजे से आप सभी को देखने को मिलेगा, जहां पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में लाइव होगा। लेकिन ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे, कलर सिनेप्लेक्स पे आता है ये मैच। इसी के साथ अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैचों के बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि भारतीय टीम को पिछले मैच में बल्लेबाजी करते हुए भी हार का सामना करना पड़ा। दिक्कत आ गई थी ओपनिंग पार्टनरशिप में, अगर ओपनिंग की तरफ से ज़्यादा रन आते तो बीच में इरफान पठान, यूसुफ पठान, युवराज सिंह सब संभाल लेते, लेकिन ओपनिंग शुरुआत ही खराब हुई थी। ऐसे में दोस्तों आगे और जानकारी दे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ही लिया जा सकता है, वो सही साबित हो सकता है। लेकिन अगर फैंटेसी लीग की बात करें दोस्तों, तो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक निकल के सामने आता है, और एज अ कैप्टन और विकेट वाइस कैप्टन की बात करें जो आप ड्रीम 11 टीम में ले सकते हैं, वो इरफान पठान, मॉर्ने वैन विक हो सकते हैं उप कप्तान के रूप में, यानी इरफान पठान कप्तान के रूप में और उप कप्तान के रूप में मॉर्ने वैन विक, तो ये खिलाड़ी हो सकते हैं आपके लिए काफ़ी असरदार। अगर फैंटेसी सजेशन का फर्स्ट दें आपको, तो सबसे पहले आप बल्लेबाजों में एंड्रू पुटिक, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान, अलवीरो पीटरसन, इरफान पठान, युवराज सिंह, जेंडर डी ब्रुइन, थम्बी शबाला, मखाया एंटनी और मुनाफ पटेल को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। ऐसे में दोस्तों आज का मुकाबला काफ़ी घमासान से भरा होने वाला है। इंडिया लेजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लेजेंड्स का सामना पहली बार इस सीरीज़ में हो रहा है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, किसकी जीत दिख रही है? क्या इंडिया अपना पहली हार का बदला लेगी, जो इंग्लैंड से हारी थी उसका बदला साउथ अफ्रीका से लेगी? क्या सचिन तेंदुलकर के बल्ले से आज हमें कोई अच्छी पारी देखने को मिलेगी? ये कई सारे सवाल हैं जो आज शाम 7 बजे के बाद सभी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।